स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4B का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका हम टी क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा एंड वीडियो को लाइक भी किया होगा। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टी में क्या बोला है इन्होंने, 3/8 की पावर -1 एंड 4/6 की पावर -1। तो आप देखो यहाँ पे 3 के नीचे जो है वो डिविजन नहीं, तो क्या हम इसको तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/6 की पावर -1 और इसी तरीके से 4/6 की पावर -1। सॉरी 8 है यहाँ पे, 8 की पावर -1 और 6 की पावर -1, राइट। अब जब ये डिवीजन में है तो इसको लिख दो 3/1/8, क्यों, क्योंकि पावर -1 में, एंड 4/1/6 माइनस हट गया। अब क्या करेंगे, 3 डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन और जो ये 1/8 है रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन के लिए, 6 जो है वो हो जाएगा क्या रेसिप्रोकल, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/8 = 24 और 4/6 = 24, सब्ट्रैक्ट कर दो 0 आ जाएगा। तो इतने आसानी से हमने इसको कर लिया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यू है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में -7/9 है और पावर -1 है। सो पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, उसके बाद इसको रिमूव करेंगे, फिर इसको रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हैं -7/9 है, रेसिप्रोकल है तो हम क्या हो जाएगा, सॉरी -1 है तो 9/-7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पावर ये ब्रैकेट हटा दिया, हमारे पास कौन सा ब्रैकेट बचा, ये बचा और ये बचा, और इसकी पावर भी -1 है। अब जब इसकी पावर भी -1 है तो अगेन हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7/9 हो जाएगा और इसकी पावर 2 है, राइट। अब जब इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे जब भी माइनस कोई नंबर है उसकी पावर इवन है तो यहाँ पे प्लस में आएगा, पॉजिटिव में 7/7 = 49 और 9/9 = 81, दैट्स इट। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर वी है, यहाँ पे देख सकते हैं 6/5 की पावर -1 है, -1 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5/6, राइट। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे इसको लिखो वैसे ही, तब भी प्लस 6 की पावर -1 है और इनकी पावर जो है 2 है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, ये जो है माइनस में इसकी पावर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1/6, पावर -1 में थी हमने 1/6 लिख दिया, प्लस 5/6 और इन सबकी पावर जो है 2 है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो है डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली आपको क्या करना है, एड करना है ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर जो है 5+6/6 और इसकी पावर 2 है, तो 6/6 क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2, आंसर 1 ही आएगा। सो ये इतना आसान ये क्वेश्चन था, राइट। क्वेश्चन नंबर W करते हैं हम, नोट डाउन कर लिया करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर W में क्या है, देख सकते हैं 4n+1 है, -3/4n है और अपॉन में 4n-1 है। इसको क्या करते हैं, देखो 4n+1 कब होता है समझो, यहाँ पे अगर 4n है ((4)1 है तो हम क्या लिखेंगे, यही तो फॉर्मूला बताया था ना, a^m है ((b)n है तो हम क्या लिखते हैं, सॉरी a^n, तो यहाँ पे a^m+n लिखते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमने इसको बना दिया, इस 4n को इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या है, -3/4n, राइट। नीचे देखो 4n माइनस यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे 4n-1 है तो हम ये भी लिख सकते हैं 4n·(4)-1 होगी, समझ में आया। अब देखो इस ऊपर वाले में 4n इसमें भी और इसमें भी, तो हम क्या करेंगे, 4n कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस 4n-3, ठीक है। और नीचे इसी तरीके से इन दोनों में 4n है तो 4n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसकी जगह 1 माइनस इस 4n-1, 4n-1 सॉल्व हो गया। अब देखो ऊपर नीचे से ये डिवाइड हो गया 4n और यहाँ पे 4n से कोई मतलब ही नहीं है, तो 4-1 क्या बचा, 1/1 - 4 यहाँ पे -1 थी ना, सॉरी 4n-1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4, राइट, ठीक है। अब ये 1/4 है तो ये डिविजन में ही, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 1/ पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 4 4-1/4 = 1/4 - 1 3/4।
अब ये क्योंकि डिवीजन में है तो हम मल्टीप्लाई डिवीजन को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 × 4/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 हमारा आंसर हो गया। इतना आसान था इस क्वेश्चन को करना, राइट? आई होप आपको क्लियर हुआ हो। कुछ भी नहीं, हमने बस इसको जो है स्प्लिट कर दिया, इस जो है n प्लस वन को 4n × 4^1 में, उसके बाद जो भी चीजें कॉमन थी उसको कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, एंड उसके बाद ये जो है रेसिप्रोकल था डिवीजन में, उसको हमने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके उल्टा करके हमारे पास 4/3 आंसर आ गया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे a है 11 की पावर n इंटू 11 की पावर 0, क्या कर रही हूं मैं, 11 की पावर 2 इक्वल्स टू 11 की पावर 9 है। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया था, जब a की पावर m है और इंटू a की पावर n है तो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो हम सिर्फ सिंपल पावर को प्लस कर सकते हैं, m प्लस 2 इक्वल्स टू 11 की पावर 9। अब दोनों में बेस सेम है तो इसको इक्वेट कर दो, m प्लस 2 इक्वल्स टू 9, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2 इधर जाएगा माइनस 2, आंसर 7। सो n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, दैट्स इट। सो ये था क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, यहाँ पे 14 की पावर 2n इंटू 14 की पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू 14 की पावर 5 गिवन है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो हम ऊपर इसी फॉर्मूले का यूज इसमें भी करेंगे, सो 2n प्लस 1 माइनस n इक्वल्स टू 5, राइट? अब यहाँ पे जो n है उसको प्लस कर देते, 2n माइनस n कितना हो जाएगा 1n, सो n 2n माइनस n, ठीक है? सो यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा n प्लस 1 इक्वल्स टू 5, उसके बाद यहाँ पे प्लस 1 है इधर जाएगा माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1, दैट इज 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, यहाँ पे 4 की पावर 2n इंटू 4 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 12 है। अब देख सकते हैं इन दोनों में जो है डिनोमिनेटर 4 इक्वल है, सो हम यहाँ पे 2n प्लस n कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम पहले इसको ही सही करते हैं। इसको सही करने के लिए क्या होगा, 4 को कैसे लिखते हैं, 2 × 2, इसका मतलब है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2n है, राइट? इंटू इसमें भी 2 की पावर है 2, इसकी पावर है n, अब है यहाँ पे 2 की पावर 12, राइट? सो यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4n हो गया, सो यहाँ पे 2 की पावर 4n इंटू 2 की पावर 2n। मैंने आपको बताया था अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो क्या हो जाएगी, a की पावर m इंटू n, ठीक है? इस तरीके से हो जाएगा, तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी किया है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 4n इंटू 2 की पावर 2n इक्वल्स टू 2 की पावर 12 हो गई। अब तीनों में बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 4n प्लस 2n इक्वल्स टू 12 कर लेंगे, वही इसी वाले फॉर्मूले का यूज करके, राइट? सो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं सो दैट समझ में आए। अब क्या है यहाँ पे 6n हो गया, 6n इक्वल्स टू 12, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 / 6, दैट इज 2। सो ये था क्वेश्चन नंबर सी। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इसके आगे के क्वेश्चन, जो कि 4-5 बचे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, ठीक है? बाय बाय।